चीन सुपर पावर बनने के लिए हमेशा कोई ना कोई राज आजमाता ही रहता है, लेकिन इस बार चीन का अभियान सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने अगस्त में एक विध्वंसक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था, जिसका अब अनावरण किया जा रहा है। उस हाइपरसोनिक मिसाइल में परमाणु क्षमता थी। अभी तक कोई भी सही समाधान नहीं भेज पाया है, जो अजीब नहीं है। हालांकि चीन का उस मिसाइल का परीक्षण सफल नहीं रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने एक परमाणु सक्षम मिसाइल लॉन्च की है, जिसने अपने लक्ष्य को भेदने से पहले पृथ्वी की निचली कक्षा में परिक्रमा की। मिसाइल अपने लक्ष्य से 32 किमी की दूरी तक गई। अंडरकवर न्यूज के मुताबिक चीन ने अपने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को लॉन्ग मार्च रॉकेट पर भेजा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुपर पावर अमेरिका की तमाम एजेंसियां चीन के इस टेस्ट से हैरान है। अमेरिकी रक्षा विभाग के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य दहशत फैलाना था। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका चीन को अपनी पहली चुनौती मानता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस और अमेरिका चीन के अलावा हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बना रहे हैं। हालांकि चीन बाकी सबसे आगे है, लेकिन उनके मिसाइल परीक्षण विफल रहे हैं। मालूम हो कि इस मिसाइल को ट्रैक करना मुश्किल है। मिसाइल को एक रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है और इस बार ये अपनी गति से पृथ्वी की परिक्रमा करता है। मिसाइल की गति ध्वनि से 5 गुना तेज है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की मिसाइल अमेरिकी सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। दोस्तों, इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसके आगे वाले बेल आइकन को दबाएं। कमेंट बॉक्स में महत्वपूर्ण कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।